जन कल्याण किसान एसोसिएशन के संस्थापक ने सीएससी देवा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि जन कल्याण किसान एसोसिएशन के संस्थापक धर्म सिंह यादव ने देवा सीएससी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि देवा सीएससी पर बिना पैसे के कोई भी काम नहीं किया जाता है, इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा 16 तारीख को देवा सीएससी पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ये देखते हैं। दिनेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय को किन संबंध में ज्ञापन दिया है? देखिए, मैं धर्म कुमार यादव, चेयरमैन जन कल्याण किसान एसोसिएशन। ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा है अपने जनपद में, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। प्रत्येक बिंदुओं पर वहाँ पैसा लिया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड पर 150 रुपया लिया जाता है, डिलीवरी अगर लेकर के कोई जाए तो 1500 रुपये से 2000-5000 तक ले लेते हैं। अगर कुत्ते का इंजेक्शन लगवाना हो तो तब भी 50 रुपये 100 रुपये ले लेते हैं। आयरन किसी को इंजेक्शन लगवाना हो उसे 100 रुपये ले लेते, बताते बेड चार्ज के रूप में जमा होता है, ये वहाँ का नियम है। तो इसको लेकर के 31 अगस्त से हमारा अभियान चालू हुआ था, कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन भेजा गया, लेकिन आज तक सारी कार्रवाई शून्य रही। जिसको लेकर के आगामी 16 तारीख को दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा में हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, यही मांग, इसी का ज्ञापन आज देने जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आए। कितने बिंदुओं पर आपने जो है मांग की है, देवा प्रभारी के खिलाफ है कि अन्य कोई भी मामला नहीं? अभी तो हम एक केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, वही की हमारी मांग 11 सूत्री मांगे हैं हमारी। आपका शुभ नाम क्या है? धर्म कुमार यादव, चेयरमैन जन कल्याण किसान एसोसिएशन। धन्यवाद।